मजदूर अपने अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं और कई सामाजिक संस्थाएं उनकी खिदमत में लगी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कई युवा भी हैं, हम बात करेंगे। सर क्या नाम, क्या शुभ नाम है आपका? मोहसिन पटेल। कैसा लग रहा है एक सेवा का भाव देखकर लोगों में आप जो काम कर रहे हैं? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो है कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना, और ये जो महामारी का समय है और ऊपर से एक जो है कि पवित्र माह रमज़ान भी है, जिसमें जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जमा किया हुआ ये जो अपनी सेविंग है वो जो है कि गरीबों पर खर्च कर सकता है। देखिए मुस्लिम युवा हैं और नाम है मोहसिन पटेल, वो कई लोगों की जो है ये सेवा कर रहे हैं, इस तरीके से राशन वितरण कर रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है ऐसे युवाओं को देख कर। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भैया? यूपी में कहाँ से आ रहे हैं? यूपी जाना है। आप गुजरात से हैं? कितने दिन से निकले हुए हैं? अभी तो परसों से निकले हैं। ये जो गाड़ी आपने की है ये कितने रुपए में की है? पर्सनल गाड़ी की है? हाँ पर्सनल गाड़ी। कितने रुपए में हुई है? एक आदमी का 3000 है। 3000 में अपने घर तक पहुँचने का? हाँ। कितने लोग हो टोटल? 50 लोग हैं। 50? देखिए 50 लोग हैं और एक आदमी का 3000 रुपये भाड़ा है, और जिस तरीके से ये जा रहे हैं मैं आपको दिखाऊं कि 3000 रुपये में अगर आप चाहें तो एक रेलवे रिजर्वेशन में आप जाते हैं तो एसी कोच में बहुत अच्छे से जाते हैं। 2000 रुपये का फ्लाइट का टिकट होता है बम्बई तक जाने का, मगर 3000 रुपये देकर एक मजदूर किस तरह से जा रहा है, बड़ी अफसोस की बात है। और कई सामाजिक संस्थाएँ जो इनके लिए खिदमत कर रही हैं। कैमरामैन शादाब अंसारी के साथ कासिम बरकत।